हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एडुटेनर में। आज हम डिस्कस करेंगे फाइलम निमेटोडा के बारे में, या इसको ऐसे कह सकते हैं फाइलम एस्केलमेंथीज के बारे में। इसके दो दो नाम हैं, ठीक है, चाहे आप निमेटोडा कहें और चाहे एस्केलमेंथीज कहें। इनको कॉमनली राउंड वर्म भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है देखेंगे, बने रहिए मेरे साथ। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो शायद इसके बाद आपको निमेटोडा फाइलम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आगे से आप इस फाइलम को आराम से चुटकियों में कर ले जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं निमेटोडा या एस्केलमेंथीज फाइलम के बारे में, ठीक है, क्या होता है। इनको राउंड वर्म क्यों कहते हैं? उनको राउंड वर्म इसलिए कहते हैं जब इनका हम क्रॉस सेक्शन काटते हैं। क्या करते हैं? इनका जब क्रॉस सेक्शन हम काटते हैं तो क्रॉस सेक्शन काटने के बाद ये कुछ राउंडेड शेप में दिखाई पड़ता है हमें। जब जो निमेटोड्स हैं या हम एस्केलमेंथीज कहें, उनके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको जब हम उनका क्रॉस सेक्शन कट करते हैं तब वो राउंडेड शेप में हमें दिखते हैं। ये किस शेप में दिखेंगे? राउंडेड शेप में दिखेंगे आफ्टर द क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉडी। दैट्स वाई इन्हें हम क्या कहते हैं? इनको हम राउंड वर्म कहते हैं। चलिए अब आते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पे। क्या है इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स? तो सिमेट्री इनकी बाइलेटरल होती है, मींस इनको सिमेट्री का मतलब होता है कि इक्वल डिवीजन। सिमेट्री मतलब इक्वल डिवीजन। तो इनकी जो सिमेट्री होती है वो होती है बाइलेटरल। बाइलेटरल मींस इनको बीचों बीच से काटोगे तो फिर ये क्या होंगे, ये दो इक्वल पार्ट में डिविजिबल हो जाएंगे, वो भी लॉन्गिट्यूडनली। हम लोगों की सिमेट्री भी बाइलेटरल सिमेट्री ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये इनकी सिमेट्री को शो करता है। कैसी सिमेट्री? बाइलेटरल सिमेट्री, क्लियर। तो यहाँ से जब आप इनको काटोगे तब ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे, वरना ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होंगे। तो हम लोगों की सिमेट्री भी बाइलेटरल सिमेट्री होती है और निमेटोड्स की भी सिमेट्री कैसी होती है? बाइलेटरल सिमेट्री ही होती है। बाइलेटरल मीन्स बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनली, जब इनको इस प्लेन में काटोगे तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। वरना हम लोग भी देखिए, यहाँ से अगर काटे इस प्लेन में तो सर अलग पैर अलग, क्लियर, इक्वल नहीं हुआ ना। लेकिन यहाँ से काटोगे तो आधा सर इधर, आधा सर इधर, आधा पेट इधर, आधा पेट इधर, आधा पैर इधर, आधा पैर इधर। समझ में आ रही है बात ना? बिल्कुल वैसे ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डॉटेड लाइन, ये इनकी सिमेट्री को शो कर रहा है कि ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। मीन्स इस प्लेन में लॉन्गिट्यूडनली इनको काटोगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, क्लियर। दैट्स वाई इनकी सिमेट्री कैसी होती है? बायलेटरल सिमेट्री होती है। इसके साथ ही साथ एक पॉइंट यहाँ पे और जुड़ा है, हर पॉइंट को आपको समझना है तब चीज़ें क्लियर होंगी। एनसीईआरटी में जो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स के बारे में अगर आप नहीं जानते तो हमेशा आप कंफ्यूज होते रहेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय तीन जर्म लेयर बनेंगी। कितनी? थ्री जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मीसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो जब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे तो इनमें ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा। अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हुए हैं आपने तो ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे समझिए कि थ्री जर्म लेयर्स हैं, एक्टो, मीसो एंड एंडो, क्लियर। तो एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म, अगर ये तीनों जर्म लेयर हमारे बॉडी में होंगी तो हमारा ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा। और अगर दो होंगी, मीसोडर्म नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज मीसोडर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन्स, क्लियर। तो ये मीसोडर्म नहीं होंगी तो हम क्या होंगे? डिप्लोब्लास्टिक होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होंगे मीन्स दो ही जर्म लेयर होंगी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तब जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो या तो सेलुलर लेवल का होगा और या तो टिश्यू लेवल का होगा, मींस तब ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। बट चूंकि ये हैं क्या? ट्रिप्लोब्लास्टिक, मींस इनमें ट्रिपल जर्म लेयर हैं, तो ये क्या होंगे? इनमें डेवलपमेंट होगा ऑर्गन लेवल का। समझ में आ गई बात? ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप फर्स्ट वीडियो देखिए,
किंगडम एनिमलिया का 100% आपको हर चीज एक एक करके क्लियर हो जाएगी। ठीक, अगली चीज इनका हैबिटेट कैसा है, तो ये मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली ये एक्वेटिक होते हैं, मीन्स पानी में पाए जाते हैं, क्लियर, फ्री लिविंग होते हैं। और इनके साथ ही साथ इनमें एक टफ क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, रेजिस्टेंट, इनके बॉडी के चारों तरफ एक क्यूटिकल की लेयर होती है, क्लियर, मीन्स बॉडी के चारों तरफ एक टफ लेयर होती है जो कि रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, क्लियर। कोई ऐसी चीज़ जो इनको नुकसान पहुंचाती है तो उनसे भी ये क्या करेगी, रेजिस्टेंट प्रोवाइड कराएगी, जिसको क्या कहेंगे हम, जिसको कहेंगे क्यूटिकल, क्या कहेंगे, क्यूटिकल, ठीक, जो उनके होल बॉडी यानी पूरी बॉडी के चारों तरफ होती है, ठीक। तो ये एक थोड़ा इजी पॉइंट था। अब इनको हम आप कहाँ देख सकते हैं, निमेटोड्स को कहाँ देख सकते हैं, तो लीफ अगर आप देखें, जो ग्रीन लीव्स होती हैं, ये प्लांट ईटर होते हैं मोस्टली, उनके ऊपर निमेटोड्स आपको मिल जाएंगे, क्लियर। अगली चीज इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट है। डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल शुरू कहाँ से होती है, स्टार्ट कहाँ से होती है, माउथ से, और एंड कहाँ पे होती है, एनस, क्लियर। तो माउथ टू एनस इनका एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो कंप्लीट होता है। अब चूंकि इनमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स सारे ऑर्गेन्स इनमें डेवलप होंगे, तो इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल है, मीन्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, वो भी क्या होता है, कंप्लीटली डेवलप्ड होता है, कंप्लीट होता है, कहाँ, माउथ से एनस तक, इज दैट क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, इनमें जो सेक्सेज होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मीन्स मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग इंडिविजुअल में पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रा किया है, एस्केरिस मेल और एस्केरिस फीमेल, मीन्स एस्केरिस मेल बॉडी और एस्केरिस फीमेल बॉडी, दो अलग अलग बॉडी होती हैं जिनमें अलग अलग मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, मीन्स इनमें सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, क्लियर। जिसके कारण इनमें फर्टिलाइजेशन होगा वो कैसा होगा, इंटरनल। वैसे जिनमें सेपरेट नहीं होते उनमें भी इंटरनल होता है, लेकिन यहाँ भी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, समझ लीजिए, मीन्स जो गैमेट है, गैमेट मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में रिलीज होंगे, और फिर फीमेल बॉडी के अंदर ही जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और जाइगोट इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, मीन्स इंटरनल, किसी ना किसी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, दैट्स वाई इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्लियर हो गई बात। अगली चीज है, मोस्टली ये क्या होते हैं, पैरासाइट। ये बहुत ज्यादा समझने वाली चीज है, हमारे बॉडी में भी ये एज अ पैरासाइट होते हैं और हमें ये नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे अंदर डिजीज कॉज करते हैं, क्लियर, अलग अलग डिजीज, जैसे फाइलेरिया इन्हीं के कारण होता है, ठीक है, या उसको क्या कह सकते हैं, एलिफेंटियासिस को हाथी पाँव कहते हैं, क्या कहते हैं, हाथी पाँव, ठीक है, किसके कारण होता है, वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, ये एक निमेटोड है, ये क्या है, वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी एक निमेटोड है, या ऐसे कहें ये एक एस्केल्मेंथीज है, जो कि हमारे बॉडी में एलिफेंटियासिस नाम का डिजीज कॉज करता है, क्लियर, ये आपको जानना जरूरी है। पैरासाइट मतलब क्या होता है, पैरासाइट मतलब आपके बॉडी से वो न्यूट्रिशन लेंगे लेकिन आपको नुकसान पहुंचाएंगे, तो यही हो रहा है यहाँ पे, एलिफेंटियासिस, ये आपको समझना जरूरी है, किसके किसके द्वारा होता है, वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी से, और ये क्या है, ये एक निमेटोड है, ये क्या है, एक निमेटोड है, या ऐसे कहें एस्केल्मेंथीज है, जो कि हमारे पाँव में पैर जो होते हैं बहुत मोटे हो जाते हैं, क्लियर, वो बहुत ज़्यादा मोटे हाथी जैसे हो जाते हैं, दैट्स वाई इन्हें क्या कहते हैं, एलिफेंटियासिस बोलते हैं, क्लियर। तो अब ये ओवरऑल क्लियर हो गया, एक टॉपिक हमारा निमेटोडा हमारा क्लियर हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक आएगा, अगला फाइलम, तो अगले फाइलम के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।